हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इसका नाम है इनफिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का आसान तरीका, इक्विपोटेंशियल मेथड और सिमेट्री मेथड। तो अब हम इनफिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं और देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, इनके लिए क्या तरीका होता है हमारे पास। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई इनफिनाइट नेटवर्क है। ठीक है, ये आपके पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर वैल्यू भी ले सकते हो, विदाउट वैल्यू भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए विदाउट वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू आप खुद रख लेना। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा वो सभी वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं रहेगा, वो पैटर्न पर डिपेंड करता है आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, आपको तरीका समझना है, फॉर्मूला नहीं रखना इसका। ये आर हो गया, ये हो गया मान लीजिए 2R, वैल्यू रख लेते हैं वरना थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगी, हमें समझना ही तो है। ठीक है, एक और लेते हैं 1 ओम, फिर ये 2 ओम ले लिया, ये फिर 1 ओम ले लिया हमने, ये फिर 2 ओम ले लिया, और इस तरह से ये नेटवर्क क्या हो गया, इनफिनाइट टाइम्स तक जा रहा है। तो ये इनफिनाइट लैडर प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। ठीक है, अब इन्फिनाइट लैडर प्रॉब्लम्स में सॉल्व कैसे करना है वो समझना है हमें। तो आप ध्यान से देखो, अगर इस सर्किट में ब्रांचेस हम काउंट करें कि इसके एलिमेंट्री पार्ट्स क्या हैं, तो बहुत इजीली इसके एलिमेंट्री पार्ट आपको दिख जाएंगे। देखिए इसको मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, इस ब्रांचेस में ध्यान से देखना। ठीक है, ये 1 ओम, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 2 ओम, एक ब्रांच, फिर ऐसे ही 1 ओम, 2 ओम, ये दूसरी ब्रांच, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया। इस तरह से ऐड करते करते इन्फिनाइट इस तरह के जो ब्रांचेस हैं ये सब मिलकर इस इन्फिनाइट नेटवर्क को बना रहे हैं। आपके सामने देखिए इसको ब्रांचेस वाइज में तोड़ दिया मैंने, देखिए इसको एलिमेंट्री ब्रांचेस में मैंने तोड़ दिया, एलिमेंट्री ब्रांच जो इनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो अगर इन सभी ब्रांचेस में से एक या दो ब्रांच हम कम भी कर देते हैं तब भी ये इन्फिनाइट नेटवर्क ही कहलाएगा। भाई इसमें कितनी ब्रांचेज हैं, इन्फिनाइट ब्रांचेज हैं। तो आप ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लेते हैं इस इन्फिनाइट नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आती है कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर इज द इक्विवेलेंट, एक्स मान लीजिए आपकी जो मर्जी आप मान सकते हो। अब अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें, 1 ओम और ये 2 ओम, ठीक है, और इसके पीछे 1 ओम, ये पॉइंट ए रख लीजिए, इस पॉइंट का नाम आप बी रख लीजिए, इस पॉइंट का नाम ए रख लीजिए और इस पॉइंट का नाम आपको रखना पड़ेगा बी। तो ए और बी के बीच जो हमारा हमें निकालना है, इसके पूरे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच हमें पूरा इक्विवेलेंट निकालना था। तो ए और बी एक ब्रांच मैंने अलग कर दी और बाकी सभी ब्रांचेस को मैंने रहने दिया है एक साथ इन्फिनाइट नेटवर्क। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, अगर इसको हम भूल जाए तो इसमें और इसमें तो कोई अंतर है नहीं, जो ये है बिल्कुल सिमिलरिटी यही है, बस यहाँ पर पॉइंट ए और बी तो लिखना है। तो अगर इस ब्रांच को देखें तो ये भी इन्फिनाइट नेटवर्क है और ये भी इन्फिनाइट नेटवर्क है। अगर इसका आंसर आर आएगा तो इसका भी आंसर इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट क्या आएगा भाई, आर आएगा। क्लियर है, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो इसमें ये फिक्स हो जाएगी जाके सीधे, ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये आकर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये और ये मिलाकर इसके बराबर है क्योंकि मैंने इसके एक ब्रांच को कम करके बाकी सभी ब्रांचेस को रख दिया है। तो अगर इन दोनों का सम करेंगे, इसका और इसका अगर हम कॉम्बिनेशन कर देंगे तो वापस हमको ये मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं बात? तो अब ध्यान से देखिए अब क्या हो रहा है, इसका इक्विवेलेंट आर है तो इसका और इसका मिलाकर तो आर रहे क्योंकि ये और ये मिलकर इसके जैसी है। डिप्टो भाई इन दोनों कॉम्बिनेशन इसके बराबर है क्योंकि इसको तो बना दिया मैंने अलग से, एक ब्रांच अलग कर दी बाकी सारी ब्रांचेस रख दिया। मैंने कहा था अगर एक ब्रांच को हम कम भी कर देते हैं तब भी वो इन्फिनाइट नेटवर्क ही कहलाएगी, या किसी नेटवर्क में एक ब्रांच और ऐड कर देंगे तब भी वो इन्फिनाइट कहलाएगी। मतलब ये और इन दोनों कॉम्बिनेशन तीनों एक ही बात है, तो जो ये आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो इन दोनों का मिलाकर आंसर क्या आना चाहिए, जो इसका आंसर था तो आंसर आना चाहिए आर। क्लियर है, इस अकेले का भी आंसर क्या आना चाहिए आर, क्योंकि ये इसके जैसा शो रहा है, नेटवर्क इन्फिनाइट है ये, तो इन्फिनाइट नेटवर्क में एक ब्रांच हम ऐड भी कर देंगे तब भी उसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा और उसे खुद का आंसर भी करेगा भाई आर। तो आर इज इक्वल टू हो गया भाई आर, प्लस नहीं करना है, अभी समझना है केवल मैं कह रहा हूँ। तो
इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा आर, यानी ए और बी अगर हम देखते इक्विवेलेंट तो वो क्या आता, आर आता इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप सर्किट बना लो ए और बी के बीच में, तो आंसर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर आना चाहिए आर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो आंसर आया वो ये आ गया। अब बाकी सर्किट बच गई है, उसका आंसर क्या रहा है भाई, उसका आंसर अभी हमें नहीं निकालना है, बस लिख देना है ए और लिख देना है बी। ये हो गया आपका 1 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, यहाँ प्लस लगा देते हैं, इक्वल क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको इस साथ कंबाइन कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो सर्किट इसके ऐसे हो जाएगी वापस से। इतना आप नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए क्या होने वाला है इसमें, अगर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन करते हैं इस तरह से कि 1 ओम, ये 2 ओम और ये आर, मैंने कर दिया आपस में करें, ये पॉइंट लिख दिया ए और ये पॉइंट लिख दिया बी, ये किसके बराबर आने चाहिए भाई, दोनों मिलाकर बराबर आने चाहिए आर के, क्योंकि ए और बी वही पॉइंट है, इसे अगर इंफिनाइट थी तो ये और ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब सॉल्व करते चलिए और लास्ट में आंसर हम लिख देंगे इसका सिंपल। तो कितना जाएगा, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 2R/2+R, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा, और जो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, यहीं पर अगर आप दोबारा बना लेना ये, तो ये आंसर क्या आ गया, 2R/2+R। अब ये दोनों सीरीज में है तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, है ना, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए आर के, क्योंकि दोनों बराबर सर्किट को दिखा रहे हैं, एक ही सर्किट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2+R+2R=2+R×R, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया आपका 2+3R=2R+R2, तो R²-R-2=0 हो जाएगा। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, 2+R+2R, 2R 3R हो गया, 2 हो गया, 2R+R², ठीक है, सारा ही आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब इसके आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -B, तो -B हो जाएगा +1, -1 था, +-B²-4AC और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 2A, तो 2×1, 1+- क्या जाएगा, 4 2 जाएगा, -2 था ये, -2 लिख दीजिए, तो 1+8 हो गया 9 अपॉन में 2, तो ये आ गया 1+-3/2, तो आंसर आ जाएगा 1+3/2 या फिर 1-3/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2, यहाँ से आएगा -1, -1 पॉसिबल नहीं, इसको हटा दीजिए, 2 आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से सर्किट को हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपने नोट कर लिया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं वैसे ही। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वो इस तरह से है, थोड़ा चेंज करते हैं, नीचे भी मैंने एक रेजिस्टेंस 1 ओम ऐड कर दिया, इसको भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। मैंने मान लिया जो इसका इक्विवेलेंट आएगा पॉइंट ए और बी के बीच, उसको मान लिया मैंने आर। ठीक है, अभी इस ब्रांच को हम ऐसे दिखा देंगे, एक ब्रांच इसकी अलग कर देंगे ए और बी, और बाकी रेजिस्टेंस को इसी में, ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे, ये इनफिनाइट टाइम जा रही है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा और ये अकेला भी इसके इक्वल आएगा, क्योंकि इनफिनाइट में कुछ ऐड कर देने पर उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, तो इनफिनाइट में मैंने कुछ ऐड किया तब भी इनफिनाइट रहेगा, अकेला दोनों इनफिनाइट है ही। तो भाई देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका, अगर इन दोनों पॉइंट देखिए, इस पूरे का आंसर अगर आर है ये इन्फिनाइट है, तो ये भी इन्फिनाइट नेटवर्क है, बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा, ये भी 1 ओम 1 ओम है सारे। ठीक है भाई, सारे के सारे क्या है, 1 ओम 1 ओम है। ठीक है, लिख लेना अपने आप, तो ये भी क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, और ये सर्किट बच गया अपने पास अलग से, ये 1 ओम आ गया, ये भी क्या गया 1 ओम आ गया, ये भी क्या गया 1 ओम आ गया, इसका नाम लिख दीजिए ए, इसका नाम लिख दीजिए बी, तो किसके इक्वल होने चाहिए, दोनों मिला के होने चाहिए आर के इक्वल। यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर इसको इरेज कर देता हूँ मैं ऊपर से। अब देखिए 1 1 नहीं, पहले इसको ऐड करना पड़ता है पैरेलल में, आप सीधे इसका कॉम्बिनेशन में इसमें ऐड मत कर देना पहले इसके यहाँ पर, क्योंकि भाई ये सर्किट यहाँ पर जुड़ी हुई थी, मैंने इसको सेपरेट करके दिखाया आपको सिर्फ, ये कनेक्शन वापस आपको देना पड़ेगा इसमें।
ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 1 ओम, और ये जो आर है इसको वापस लाकर इसमें कर देते हैं हम कनेक्ट, क्योंकि इस तरह से कनेक्ट था पैरेलल में, ये पूरा इसके पैरेलल में था, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स, ये नहीं, ये इस पूरे के पैरेलल में था, ये अकेला रेजिस्टेंस, ये अकेला रेजिस्टेंस पीछे से क्योंकि पैरेलल में कर दिया मैंने, 1 ओम लिख दिया, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, तो किसके इक्वल है, तो आर के इक्वल है, ठीक है। अब देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे, तो ये हो गया आपका 1 into R अपॉन में 1+R, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसको हटा देते हैं एक को, और इन दोनों कॉम्बिनेशन लिख देते हैं R+1/R, तीनों सीरीज में है, तो 1+this+this तो 2+ हो जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू हो जाएगा R। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, तो 2+2R+R इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस, तो R² - 2R - 2 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस बी तो आ जाएगी +2B² तो हो गया 4 + -4 2 = 8, 4 × 1 × -2 और कौन में आ जाएगा 2 × a तो 2 आ जाएगा, तो +2 + -B 4 + - आ गया आपका B² - 4ac, तो सॉरी यहाँ तो -4ac आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 अपॉन में 2 आ गया, तो 2 + -12 को बोलते हैं 4, 3 = 12, 2√3 अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 2 को, तो हमारे प्लस मिलेगा 1 + -√3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो 1 + √3 और 1 - √3, दो आंसर आएंगे, 1 - √3 पॉसिबल नहीं क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो आंसर हो गया 1 + √3, क्लियर है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इन्फिनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम्स को। अब इसके बाद जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो थोड़ी इससे कॉम्प्लिकेट है, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेट सर्किट कर लेते हैं सॉल्व। तो अगली जो सर्किट है उसमें क्या है, तो चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें क्या है, अपने पास इन्फिनाइट नेटवर्क है बोथ साइड, अब बीच में दो पॉइंट दिए मैंने ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे नेटवर्क का, तो इधर भी इन्फिनाइट नेटवर्क है, इधर भी इन्फिनाइट नेटवर्क है, बीच में अपने पास दो पॉइंट्स हैं, और ये सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के कर दिया मैंने वापस, जो मैंने पीछे भी क्वेश्चन किया बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो पीछे अभी मैंने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आया था 1 + √3, आपको ध्यान हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट ए और पॉइंट बी कि भाई देखिए इसके इस तरफ देखें, इसको भूल थोड़ी देर के लिए इधर वाले को भूल जाए, सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट को देखें, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आता अभी 1 + √3, बिल्कुल सॉल्व किया मैंने, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी के अभी, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, नेटवर्क से आधे को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 + √3 इक्विवेलेंट, पूरा रेजिस्टेंस जो ए और बी के बीच आएगा इस तरफ के सर्किट का, तो ए और बी के बीच लेफ्ट सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 1 + √3। सिमिलरली राइट सर्किट जो है उसका भी आंसर क्या आएगा भाई, उसका भी आंसर आएगा 1 + √3। ये कैसे सॉल्व किया मैंने, ये भी तो सॉल्व किया था, तो आप आधे सर्किट को सॉल्व कर लो, बाकी आधी सिमिलर है तो वो भी यही आंसर देगी, और आधे को सॉल्व मैंने अभी पीछे किया था, वही तो क्वेश्चन है, डिटो ही बस मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में एक्स्ट्रा पढ़ा के। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच जो एक रेजिस्टेंस बचेगा वो ये पैरेलल में हो गए दोनों के दोनों, तो आंसर आ जाएगा 1 + √3 और अपॉन में 2, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा 1 + √3/2। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज भी कर देता है तो आपको आधा सॉल्व करना है और आधे की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, बाकी आधा जो आएगा उसकी वैल्यू यहाँ दोनों कर देना है, पैरेलल में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आधे इन्फिनाइट नेटवर्क को सॉल्व करना, तो पीछे हमने दो क्वेश्चन देखे बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक ब्रांच अलग कर दें, बाकी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस आर मान लें और उन दोनों के सम का भी आर मान के आप सॉल्व कर लें उसको, ये भी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद जो हम लेटर प्रॉब्लम करेंगे उसमें आपको पैटर्न बढ़ता हुआ मिलेगा, इसमें 1 1 ओम आ रहा है, फिर 1 1 ओम आइडेंटिकल मिल रहे हैं, अब बढ़ता हुआ मिलेगा, जैसे ये 1 1 है, इसके बाद 2 2, इसके बाद 3 3, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, वो IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोडो का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें कैसे करना है वो। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वो इस तरह का है, इसमें जो लैडर प्रॉब्लम है वो इंक्रीज भी कर रहा है इसका हर सेगमेंट, तो पिछली बार से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। R, इसके बाद K × R, K, अच्छा K क्या है, K कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, उसमें तो हमसे एक सेगमेंट को अलग किया, बाकी सेगमेंट एक जैसे थे, सॉल्व किया आंसर आ गया, क्लियर है।
तो अब आप इसको ध्यान से देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम मान लेते हैं इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो है एक्स इक्विवेलेंट। तो एक ही यहाँ पर आप ऐसे दिखा दीजिए, एक ही पॉइंट ए और बी लेके उसके बीच एक रेजिस्टेंस एक्स को आप कर दीजिए कनेक्ट। अब ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बिटवीन ए एंड बी हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया बात। एक ब्रांच को आपने कर दिया अलग तुरंत, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, प्लस दूसरी ब्रांच को आपने यहां लिख दिया, ये हो गया आपका के आर, ये हो गया के आर, ये हो गया के आर, उसके बाद के स्क्वायर आर, के स्क्वायर आर, यहां भी क्या रहा है के स्क्वायर आर, और इस तरह से बढ़ रही है सीरीज आगे, ये इनफिनाइट टर्म हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स। इतनी बात तो समझ में आ गई, इन दोनों कॉम्बिनेशन इसके इक्वल, ये भी बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है भाई। तो आगे समझते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी इस केस में। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन अगर इसी सर्किट में देखिए, इस सर्किट में हम भाई इस सर्किट का आंसर क्या है, इस सर्किट का आंसर है एक्स, क्लियर है। इसका जो आंसर है वो क्या है एक्स, जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबकी आर और के आर इस तरह से थी। अब मान लीजिए इसी सर्किट में मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ सभी का, तो के आर के आर के आर, के स्क्वायर आर के स्क्वायर आर के स्क्वायर आर, के क्यूब के क्यूब के क्यूब, इस तरह से हो जाएगा। यानी आर जो है, आर को मैं रिप्लेस कर दूं के आर से, जहां जहां आर लिखा है वहां वहां मैं क्या कर दूंगा भाई, के आर कर देता हूं। तो आर को के आर कर दिया मैंने, तो आर को के आर रखूंगा तो के स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर पहले से, आर की वैल्यू के आर पुट करूंगा तो के क्यूब आर हो जाएगा, तो मतलब इसमें के टाइम्स हो जाएगा। तो अगर इसमें मैंने के टाइम्स किया, मतलब आर को के इंटू आर कर दिया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स। तो अगर इस सर्किट में मैं के से मल्टीप्लाई कर देता सभी का, यानी आर को रिप्लेस करता के इंटू आर से, तो इसका आंसर क्या होता, के टाइम्स हो जाता, ठीक है भाई, क्या होता, के टाइम्स होता। जैसे मान लीजिए इसका आंसर ये आर वन ओम था, तो इसका आंसर आया टू ओम, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ पे टू रखने पर वो उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा, तो फोर टाइम्स हो जाएगा वो, है ना, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पुट करेंगे बाद में हम। अगर इसका आंसर x आया है, तो k से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएंगे इस पूरे में वो आ जाएगा kx। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, kx। इधर भी k से और इधर भी k से सभी में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो ये सर्किट इसके ऐसे बन जाएगी, तो kr 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 k स्क्वायर r इस तरह से। तो अगर इसका आंसर x आया है, तो इसका आंसर आना चाहिए k into x, ये इसके आइडेंटिकल है, बस k के तो फर्क है, k मल्टीपल आप कॉमन ले लो बाहर, उसके बाद देखो सर्किट ऐसी बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या था x, तो k into x कर देना, आपको सिंपल है बिल्कुल। ये हो गया आपका r, ये हो गया आपका r, ये हो गया आपका r, यहाँ पर पॉइंट हो गया a, यहाँ पर पॉइंट हो गया आपका b। अभी आंसर क्या जाएगा भाई इसका, इसका आंसर आ जाएगा x। अब ये इसके साथ पैरेलल में कंबाइन है, सीधे ऐड नहीं कर देना, रेजिस्टेंस सीधे ऐड नहीं करते हो, तो सीरीज में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ सर्किट को ऐड करने पर, अभी आके इसके पैरेलल में कर देना है कंबाइन आपको। तो आर आर, यहाँ पे के एक्स, यहाँ पे भी आर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हो गया बी, किसके इक्वल आएगा आंसर, एक्स के इक्वल आएगा। अब को सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या बच गया इसमें, दोनों किसमें पैरेलल में, तो के एक्स आर अपॉन में क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस आर, एक्स को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो क्या के है कौन सा, इधर तो एक्स है ही अपने पास, इधर आते हैं, तो ये अब जो इन दोनों का पैरेलल था वो इन दोनों के साथ सीरीज में हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ, अगर मेरे को पैरेलल मैंने कंबाइन कर ही दिया है, ये नेक्स्ट फिगर इसके बाद बनेगा, तो ये हो जाएगा के एक्स आर अपॉन में के एक्स प्लस आर, अभी तीनों सीरीज में, तो टू आर और ऐड कर दो इसमें, आर प्लस आर टू आर, बाकी ये तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वही आ जाएगा एक्स के बराबर, दिखा देना इसमें। अब तो इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको बस। अब तो टू के एक्स आर प्लस टू स्क्वायर आर प्लस के एक्स आर इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स इंटू आर, ठीक है इस तरह से आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं इसमें के एक्स स्क्वायर आर, तो एक साथ लिखना है क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म हो गया वो,
टू के एक्स आर हो गया आपका थ्री के एक्स आर, तो बचेगा माइनस टू के एक्स आर, देखते हैं वापस से कर लेते हैं, के एक्स आर हो गया, ये आपका एक्स आर था ना? ओके, तो टू के एक्स आर हो गया, टू आर स्क्वायर के एक्स आर हो गया, सब कुछ ठीक है। इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आपका आ जाएगा प्लस एक्स इंटू आर, ठीक है। तो माइनस ये आपका आ जाएगा एक्स आर प्लस का और माइनस थ्री के एक्स आर, क्लियर है। और माइनस टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन नंबर कर देंगे हम ये। अब इसमें एक्स कॉमन ले लो आप, तो आर माइनस थ्री के आर बच जाएगा, ठीक है। के इंटू आर को एक साथ लिख लीजिए तो कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर। अब इसमें एक्स वेरिएबल है तो एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगी, माइनस बी इंटू बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसे अपॉन टू से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और ये आपका पूरा टर्म लिखा हुआ है सी, तो वेरिएबल खुद है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल है तो ए बी सी आपको पता है, आप इसमें वैल्यू पुट कर देना, सीधे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल इसलिए मैं सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको फिजिक्स आ गई होगी, सिर्फ फिजिक्स ऐसे करनी है इसकी, क्लियर है बात। तो ये इसकी फिजिक्स थी, बाकी आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। अगर यहाँ पे वैल्यूज होती तो बहुत आसान होता काम, सीधे हम के की वैल्यू पुट करते, आर की वैल्यू पुट करते, एक क्वेश्चन बनती है, हम सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कहने का मतलब ये था। तो इसके बाद की मैथमेटिक्स अपने आप सॉल्व कर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये है अपने पास एक इन्फिनाइट ग्रिड रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। अब इसमें क्या दो पॉइंट्स है ए और बी। अब देखिए हर तरफ से इन्फिनाइट, इसे बोलते हैं इन्फिनाइट ग्रिड, इधर से भी इन्फिनाइट है, इधर से भी इन्फिनाइट है, नीचे भी इन्फिनाइट है, हर तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन सब तरफ से क्या हो रही है, इन्फिनाइट नेटवर्क बन रहा है, हर तरफ से इन्फिनाइट नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। इधर भी इन्फिनाइट हो गया, इधर भी इन्फिनाइट हो गया, इस तरह से ऊपर भी इन्फिनाइट है ये, ठीक है, इधर भी इन्फिनाइट जा रहा है। तो दो पॉइंट आप कहीं भी रैंडमली चूज करोगे, हर तरफ से इन्फिनाइट लेट रही है, उनके बीच हमें निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, तो समझने के लिए थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा इसमें हल्का सा। इसे हम कैसे करेंगे, तो इसकी अप्रोच देखिए इस तरह से न्यू पाई से लेटर प्रॉब्लम ने सॉल्व किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है उससे हल्का सा। इसमें एक सिमेट्री वाली कंडीशन हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो समझना है हमको। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ए और बी के बीच एक सेल कनेक्ट कर लेंगे। इमेजिन करते हैं ए और बी के बीच क्या अपने पास एक सेल है, इस तरह से हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए पर करेंगे सिर्फ, आप मान लीजिए ए पॉजिटिव है ना, और इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल की मैंने कर रखी है अर्थिंग, जो इसका नेगेटिव है उसकी मैंने अर्थिंग कर रखी है, मतलब वो जीरो पोटेंशियल पर है। ये दूसरे वाले की अर्थिंग मान लो ये नेगेटिव है, इसकी अर्थिंग कर रखी है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से करंट अंदर आता है, मान लीजिए करंट आता है आई, जो ग्रीन कलर का मैंने वायर बना दिया उससे करंट आई आता है, चार हिस्सों में बटेगा ये करंट। यहाँ जो करंट जाएगा वो आई बाई फोर हो जाएगा, यहाँ जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आई बाई फोर हो जाएगा, जो नीचे करंट जाएगा वो भी क्या हो जाएगा आई बाई फोर, और जो इधर करंट जाएगा वो भी आई बाई फोर। क्यों, क्योंकि सभी रेजिस्टेंसेस के उस तरफ इन्फिनाइट मिलता है, इन्फिनाइट इन्फिनाइट, यानी सभी जो रेजिस्टेंस है वो सिमेट्रिकल है, इधर भी इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट, ऊपर भी इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट, तो पॉइंट है बिल्कुल बीच में, तो सभी रेजिस्टेंस के लिए बराबर बराबर करंट पर फ्लो कर देगा, जिससे वो चारों रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो पॉइंट ए से जो चार रेजिस्टेंस कनेक्ट है उनके लिए वो आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर करंट रिलीज करें, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, सबके इधर इन्फिनाइट सर्किट्स है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम सीधे बी से, नहीं एक और फिगर हमें समझाना पड़ेगा प्लस करने के लिए बी से, फिर उन दोनों को मैं कर दूंगा कनेक्ट, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी क्या आंसर आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और सर्किट बनाते हैं इस तरह की। तो अगर हम देखें पॉइंट बी से, पॉइंट बी को इमेज करते हैं, पॉइंट बी से मान लेते हैं हमने एक यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया और इसका जो पॉजिटिव है उसकी अर्थिंग कर दी, तो वो जीरो पर हो गया, और एक नेगेटिव जोड़ दिया मैंने, तो ये करंट को बाहर खींच लेगा, ठीक है। मान लेते हैं आई करंट यहाँ से बाहर निकल गया, जो आई करंट यहाँ से बाहर निकलेगा इस ब्रांच में आ जाएगा आई बाई फोर, इस ब्रांच से अंदर आएगा आई बाई फोर, और इस ब्रांच से भी अंदर आएगा आई बाई फोर, और इस ब्रांच से भी अंदर आएगा आई बाई फोर।
इधर से आई बाई फोर, 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 चारों मिलकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे आई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ए की बात करते हैं, वहाँ पॉइंट बी की बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट ए से अंदर लाया, पॉइंट बी से बाहर निकाल दिया। ये सिमेट्री प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं इस फिगर को इसके ऊपर दोनों को सुपर इम्पोज कर देता हूँ, यहाँ से पॉइंट भी हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं हटा लिए, ठीक है। हमने सिर्फ पॉइंट ए था हमारे पास, वो क्वेश्चन पॉइंट भी रखे गए। अभी हमने दोनों ये सोल्यूशन कर रहे हैं, एक ये बना लिया फिगर, एक ये बना लिया। दोनों फिगर में क्या है, इन दोनों को मैं कर देता हूँ कंबाइन। तो कंबाइन करने पर क्या होगा वो आपको ध्यान से समझना है। कंबाइन करने पर क्या होगा, देखिए ये आई बाई फोर सब दिखा रही है। अब ये ब्रांच देखिए, इसमें आई बाई फोर था और इस ब्रांच में भी आई बाई फोर था। जब दोनों ब्रांच एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी, ठीक है, तो ये इसके साथ पैरल कॉम्बिनेशन बनाएगी। ये पॉइंट ए है तो यहाँ ए, सॉरी ये बी है तो यहाँ ए रहेगा, ये ए है तो यहाँ बी रहेगा। जब इन दोनों को सुपर इम्पोज करूंगा तो ये और ये दोनों आपस में पैरल कंबाइन हो जाएंगे। और करंट क्या हो जाएगा आपका, नेट करंट जो आएगा ए से बी, देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर ले लो, आई बाई फोर इसका सेम डायरेक्शन में, आई बाई फोर इसका सेम डायरेक्शन में, तो ए से बी के बीच जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, ए से बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा आपका आई बाई टू। नेट करंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, आई बाई टू। तो अब देखते हैं नेट करंट क्या हो गया ए से बी के बीच। तो ए और बी आप दो पॉइंट लिख दो, तो इसी सेम रेजिस्टेंस से, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस में आई बाई फोर तो यहाँ से आ रहा है और इस रेजिस्टेंस में आई बाई फोर यहाँ से आ रहा है। जब इन दोनों को आपस में मैं कर दूंगा कंबाइन तो इन दोनों करंट जो ऐड होके बन जाएगा वो बन जाएगा आई बाई टू। तो ए से बी जो करंट फ्लो करता है वो है आई बाई टू, ठीक है। ए से बी रेजिस्टेंस क्या है अपने पास आर, तो पहले निकालते हैं वी ए बी कितना है यहाँ से, तो वी ए बी कितना आएगा आई इंटू आर, तो आ जाएगा आई बाई टू इंटू आर, ठीक है। इनको सुपर इम्पोज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पैरल में क्रिएट नहीं करना, मैं कल समझाने के लिए बोल रहा था कि पैरल में, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये रेजिस्टेंस ये सेमी रेजिस्टेंस ये भी आर है वही आर ये भी है, जब इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं तो पॉइंट ए और बी एक दूसरे के पास चले आते हैं और ए की रेजिस्टेंस बचेगा आर, इसका करंट आई बाई फोर और इसका करंट आई बाई फोर मिलकर हो जाएंगे आई बाई टू। ये शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए, ठीक है। तो ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस था आर, सभी रेजिस्टेंस आर ही थे, सभी रेजिस्टेंस को आप आर मान लो, सभी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो वी ए बी जो बचेगा वो हो जाएगा आई बाई टू आर, क्लियर। अब अगर इस पूरे सर्किट को मैं हटा देता हूँ और एक ही रेजिस्टेंस जोड़ता हूँ ए और बी के बीच, जिसको मान लेता हूँ मैं आर इक्विवेलेंट, क्लियर, जिसको मान लेता हूँ मैं आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा यहाँ से V अपॉन में I, क्लियर है। V अपॉन में क्या आ जाएगा I। अब देखिए आप ध्यान से, हमने A और B के बीच ये जो R था, इस A और B पे R जुड़ा हुआ था, तो यहां से पहले VAB निकाल दिया जो कि I बाई टू आर हो गया। अब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VAB है ना। तो मैंने मान लिया जो भाई अपने पास ए और बी यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया, उसका नाम रख दिया वी ए बी, क्योंकि ए और पी पे जोड़ा है मैंने, तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा जो इसका आया है आई आर बाई टू हो जाएगा उसका पोटेंशियल, क्लियर है, आई आर बाई टू हो जाएगा इसका पोटेंशियल। और यहाँ पर भी एक सेल जुड़ा हुआ, देखिए इन्फिनाइट सर्किट थी, ये सेल जुड़ा हुआ है। अब ये सेल ये और ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो प्लस इसका आ जाएगा और माइनस इसका, तो ये सेल बन जाएगा वी ए बी, ए और बी पॉइंट पे कनेक्ट है, और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वो आ गया। आप देखिए इस सेल से करंट क्या आ रहा था, आई आ रहा था, तो यहाँ से भी क्या आएगा आई। ये पूरी सर्किट थी इनफिनाइट प्रॉब्लम, उसमें करंट आई तो अंदर आ रहा था, तो इस अकेले में भी क्या आना चाहिए आई अंदर आना चाहिए। और इस रेजिस्टेंस से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया सेल का, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस चल गया पता हमें, ठीक है, ये एक अलग कहानी थी। तो वी ए बी कितना है आई बाई टू आर, तो वी ए बी इज इक्वल टू हो गया आपका आई आर बाई टू। अब देखते हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो आर इक्विवेलेंट क्या करना है आपको, R इज इक्वल टू होता है V बाई आई, तो वी ए बी, अब करंट इसमें I था तो वी ए बी अपॉन I करूँगा, तो वी ए बी की वैल्यू आई आर बाई टू, आई से I कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा भाई R बाई टू। तो आपका R इक्विवेलेंट इस तरह से आएगा R बाई टू। इस क्वेश्चन में दो सर्किट बना लेते हैं, एक बार पॉइंट A से करंट को अंदर लाते हैं, पॉइंट B से करंट को बाहर निकाल दें, दोनों रेजिस्टेंस को हम कर देते हैं, फिर दोनों जो ग्रिड हैं इनको आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, तो जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसमें आई बाई फोर इसकी वजह से और आई बाई फोर जो बाहर निकल रहा है वो इसकी वजह, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा करंट आई बाई टू। अब पॉइंट ए और बी के रेजिस्टेंस को आप अलग से ले लो सिर्फ अकेला,
ए और बी के जो पोटेंशियल आएगा वो सेल का पोटेंशियल आएगा, क्योंकि वहीं पर सेल कनेक्ट है ए और बी पे, तो सेल जो आएगा वो वी ए बी हो जाएगा तुम्हारा आई बाई टू इंटू आर, करंट आई इंटू आर होता है रेजिस्टेंस, तो आई बाई टू इंटू आर आ गया। अब देखिए सेल को अगर हम कनेक्ट कर दें इस पूरे के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्यू से, तो ये पूरा करंट ले रहा था सब मिलकर वो आई ले रहे थे, अकेला ही करंट आई ले लेगा, तो इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी वी बाई आई, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर। तो ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।